सो हे गाइस, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम जा रहे हैं, मैं और मिस भाई गोवर्धन पर्वत और हमारे चाचा श्री जो कि चला रहे हैं, आप ये देख सकते हो। बहुत ही गर्मी है गाइस। और ये दोस्तों मथुरा की कुछ रोड आपको दिख जाएंगे इस तरह से। बहुत बिजी रहती है गाइस, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। और हम जन एक दिन में ना भाई पूरा मथुरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और भाई नेक्स्ट दिन ना हम लोग जाएंगे वृंदावन प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और बहुत से सारे टेम्पल हैं जो कि बहुत फेमस है, सब हम घूमने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर भी देखो कितना ये भाई मेन रिक्शा चलता है गाइस। कहाँ से अगर सर्विस होता ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजा आता गाइस, नेक्स्ट लेवल। समय की बात करें तो समय दोस्तों राइट एक बज रहा है। और अभी दोस्तों हम आ गए गोवर्धन पर्वत, जो कि मेरे पीछे आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों। हाँ यही है दोस्तों गोवर्धन पर्वत। और यहाँ पे आने में दोस्तों हमको ना 2 से 3 ऑटो मतलब चेंज करना पड़ा। और जो ऑटो का मतलब चार्ज लगा वो 20-30 रुपये ऐसा करके लगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमको श्रीकृष्ण जन्मभूमि के बाद आना पड़ा मुक्ति चौक, और वहाँ से आना पड़ा दोस्तों अटल चौक, और अटल चौक के बाद दोस्तों हमको आना पड़ा गोवर्धन पर्वत, जो कि भाई 3 जगह हम लोग ऑटो चेंज किए हैं और फाइनली जाके पहुँच गए दोस्तों। और बहुत ज़्यादा गाइस यार एनर्जी लॉस हो रही थी। और ये पानी का बॉटल ही से आ रहा है भाई, जो कि हम लोग को अभी चला रहा है। तो भाई अभी ना शाम तक पूरा ट्रैवल करना गोवर्धन पर्वत, उसके बाद निकलते हैं सीधा दोस्तों जहाँ पे हम लोग स्टे किए हुए हैं। मतलब सामने दोस्तों दिख जाएगी आप सभी को बजरंग जी की मूर्ति, बोलो जय बजरंग बली। आप सभी को पीछे दिख रहा होगा ये दोस्तों गोवर्धन पर्वत, और इसके बारे में दोस्तों अभी कुछ ही टाइम में आप सभी को बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देंगे। हालांकि दोस्तों इसका यहाँ पे आने के बाद सभी लोग इसका मतलब क्या बोलते हैं परिक्रमा करते हैं। का जो परिक्रमा है दोस्तों ये 7.5 कोस में मतलब फैला हुआ है। तो और कुछ ही टाइम में दोस्तों हम करने वाले हैं, फिलहाल अभी हम ऑटो लेंगे। बट मैं सोचा कि दोस्तों थोड़ा अंदर जाने के बाद दिखा दूँ। ये आप देख सकते हो पूरा ग्रिल लगाया गया है चारों तरफ, और ये कुंड वगैरह है, पता नहीं मतलब पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, कुंड नहीं होगा दूसरा कुछ होगा। और कुछ इस तरह से आप सभी को दिख जाएगा दोस्तों कि बंदर आप देख सकते हो कि बंदरों का कुछ भी लेके आओ ना भाई वो सब सब झपट लेते हैं। रमेश मूंगफली का दाना खा चुके हैं ना। हाँ भाई, तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंदर वगैरह दिख जाएंगे आप सभी को। तो गाइस आप देख सकते हो कि दोस्तों मैं दोस्तों गोवर्धन पर्वत के सामने दोस्तों आप देख सकते हो ये पीछे रहा दोस्तों गोवर्धन पर्वत, जो कि 21 किलोमीटर के दोस्तों मतलब दायरे में आता है। ऑटो वाले अगर आपको इसका परिक्रमा करवाएंगे ना दोस्तों तो आपसे 100 रुपये मैक्सिमम चार्ज करेंगे। बट गाइस हम अंदर से अंदर पूरा घूम ले रहे हैं गोवर्धन पर्वत। ये वही पर्वत है दोस्तों जो श्री कृष्ण जी अपने कनिष्ठ उंगली से मतलब ये कानी उंगली से दोस्तों इसको उठाए थे इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, जो ब्रज के वासी थे ना उन्हीं को बचाए थे। तो दोस्तों यही वही गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कितना विशाल है आप देख सकते हो भाई, बहुत ही भयानक है। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा तो आप जानते हो कि अपरंपार ही है। तो कुछ ऐसा लग रहा है भाई। और यहाँ पे ना दोस्तों एकदम शांति है, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको बंदर वगैरह मिल जाएंगे अंदर, और बहुत मतलब कुंड वगैरह मिल जाएंगे, और पेड़ तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरह से नज़ारा आप सभी को दिख जाएगा। और सामने गोवर्धन पर्वत दोस्तों, जो कि मैं अभी कुछ टाइम में ना थोड़ा पास में जाकर दोस्तों गोवर्धन पर्वत को दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि कुटिया वगैरह से बना हुआ है, और आगे सब पंडाल वगैरह बैठते हैं। और गाइस ना रमेश आगे जाने से डर रहा है कहीं इसको लूट वगैरह ना ले। आगे चलना रमेश पूरा भाई, डर रहा है ना तू। और यार गाइस ना पूरी एनर्जी मार्क से हम लॉस हो गए, क्योंकि हम लोग सुबह से गाइस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि इतना स्लो का है ब्लॉगिंग कर रहा है, करना पड़ा भाई क्योंकि बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं राधे। तो आप देख सकते हो मैं काफी क्लोज में आ गया हूँ दोस्तों गोवर्धन पर्वत के, कुछ इस तरह से दोस्तों आप सभी को दिख जाएगा। और इसी को ना गाइस भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाया था जैसे कि हमने बताया, और मैं भी उठा रहा हूँ दोस्तों ये अपनी कानी उंगली से। भाई उठ ही नहीं रहा गाइस, सोचो भगवान भाई इतने बड़े पर्वत को गाइस उठा दिए थे। सिर्फ जो यहाँ के मतलब ब्रिज के वासी थे ना दोस्तों इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, मैं दोबारा आप सभी को बता दे रहा हूँ, उन्हीं को मतलब बचाने के लिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली से दोस्तों उठाया था ये कनिष्ठ, इसको कनिष्ठ उंगली बोलते हैं। और कुछ इस तरह से दोस्तों आप सभी को दिख जाएगा। तो मैं सिर्फ हे प्रभु हे राधा रानी रक्षा करो, और हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं ना सभी का घर दोस्तों एकदम मस्त रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, और जितना भी इन लोग का सपना हमारे सब्सक्राइबर लोग का पूरा कर दो, हमारे श्री कृष्ण जी पूरा करो सबका सपना। और यहाँ पे आपको पेड़ दिख जाएगा यार बाबुल, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, थोड़ा कांटे जैसा है मुझे नहीं पता, बट है तो कुछ। अब पूरा इधर दिखा दे रहे हैं, पूरा पूरा भाई पेड़ ही पेड़ है। और यहीं पे गाइस अभी थोड़ा हम फोटो वगैरह शूट कर लेते हैं, और उसके बाद निकलते हैं दोस्तों हम अपने स्टे पर जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और उसके बाद कल हम दोस्तों इसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना उसके बाद दोस्तों आप सभी को वृंदावन क्या प्रेम मंदिर का ब्लॉग आएगा, और इस्कॉन टेम्पल है, और जो भी वहाँ पे दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ का मैं ब्लॉग दोस्तों आप सभी को दूँगा। और दोस्तों इस पर्वत के बारे में बता दूँ कि ये पर्वत दोस्तों द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपने कनिष्ठ उंगली से उठाया था,
और यहाँ पे आप सभी को दोस्तों मंदिर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे छोटे छोटे घर देखिए, कितना मतलब छोटे छोटे से घर बनाए हुए हैं, जो कि सब लोग का मानना ये रहता है कि यहाँ पे घर बनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे वास करने आते हैं, तो सभी लोग अपना छोटा छोटा सा घर बना के यहाँ से चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ का दृश्य दिख जाएगा। और रमेश तो पता नहीं किस चीज़ में परेशान है कब से। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आप सभी को मस्त लगा होगा, अगर बेस्ट लगा हो तो लाइक कर देना। और तब तक के लिए हम लोग निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया।